सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अब बॉलीवुड में जो लॉबी कल्चर है उस पर लोग खुल के बात करने लगे हैं। एआर रहमान ने बताया कि किस तरह से उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई गई और अब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है जो 70 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, उन्होंने संजय लीला भंसाली के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों को शुरुआती दिनों में अंडरवर्ल्ड प्रोड्यूस किया करता था। कौन है ये प्रोड्यूसर और कौन सी फिल्म संजय लीला भंसाली की अंडरवर्ल्ड ने प्रोड्यूस की है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोड्यूसर है शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल, कॉर्पोरेट जैसी फिल्में प्रोड्यूस की है। शैलेंद्र सिंह ने एक किस्सा बताया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब बॉलीवुड में वो प्रोडक्शन में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो इस लॉबी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ देवदास प्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया था, सारी बात हो गई थी, साइनिंग अमाउंट तक दे दिया था और इस फिल्म की लॉन्च पार्टी भी कर दी गई थी साउथ बॉम्बे में, जहां पर ऐश्वर्या राय और संजय लीला भंसाली भी आए थे। लेकिन इस फिल्म से उनका नाम जुड़ने के बाद से ही शैलेंद्र सिंह को अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आने लगे, एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे और उन्हें कहा गया, उन्हें धमकाया गया कि तुम इस फिल्म से हट जाओ। जब इस बात पर शैलेंद्र सिंह से पूछा गया कि आपको किसने धमकाया था, तो उन्होंने बिना नाम लिए हुए बताया कि उसी ने धमकाया जो उस दौरान संजय लीला भंसाली की फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे। वेल, आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली की जो फिल्म आई थी सलमान खान स्टारर खामोशी, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था हसन रिजवी ने, जिसके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रह चुके हैं। तो इसी तरह की गैंग से शैलेंद्र सिंह को एक के बाद एक कॉल्स आए, फाइनली उन्हें साइनिंग अमाउंट देने के बावजूद देवदास फिल्म से हटना पड़ा और उसके बाद उस फिल्म के प्रोड्यूसर बने वो जो ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड से पैसा लगवाने के चक्कर में फंस चुका है, यानी कि प्रोड्यूसर भरत शाह, जिस पर इल्जाम है कि चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के लिए उसने अंडरवर्ल्ड से पैसे लिए थे। तो तब संजय लीला भंसाली की शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय स्टारिंग फिल्म देवदास को भरत शाह ने ही प्रोड्यूस किया था, भरत शाह जिसके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात थे और अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाकर ही वो फिल्मों को प्रोड्यूस किया करता था। ये बहुत बड़ा खुलासा किया है शैलेंद्र सिंह ने। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि करण जौहर टाइप की लॉबी ने उन्हें भी इस इंडस्ट्री से बाहर रखने की कोशिश की। वो अब तक 70 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में बना चुके हैं, उसके बावजूद कोई बड़ा अवार्ड फंक्शन उन्हें इन्वाइट ही नहीं करता है, भले ही वो आईफा हो या फिर फिल्म फेयर हो। तो कुछ इस तरह से इस लॉबी ने बॉलीवुड के इर्द गिर्द अपना जाल बिछा रखा है, किसी बाहर वाले को ये अंदर आने ही नहीं देते हैं। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि क्या 70 फिल्में बनाने के बावजूद मुझे इस इंडस्ट्री से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, किसी एक भी अवार्ड फंक्शन ने उन्हें कभी स्पीच देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बुलाया, उन्हें बकायदा इस बॉलीवुड से आउट ही रखा गया है, भले ही उन्होंने 70 फिल्में ही क्यों ना प्रोड्यूस कर दी हो। वेल, अगर शैलेंद्र सिंह ऐसा कह रहे हैं तो फिर कंगना रनौत कहां गलत है, जो उन्होंने कहा है कि आप कितना ही इस इंडस्ट्री में काम क्यों ना कर लो, ये इंडस्ट्री आपको एंड तक आउटसाइडर ही कहेगी, ये इंडस्ट्री कभी भी आपको इनसाइडर नहीं मानेगी, अपना हिस्सा नहीं मानेगी।